हेलो दोस्तों, जय माँ काल, राम राम, राधे राधे। शून्य टू इन्फिनिटी चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें, ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक पाने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो पूरा ज़रूर देखें, जिससे आगे आने वाले राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम हैं, पटवारी हुआ, वनपाल हुआ, वन रक्षक हुआ, हाईकोर्ट हुआ, जिसमें राजस्थान की जीके आएगी, उनमें अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, जिसमें राजस्थान जीके आएगी, जो भी राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत उपयोगी है। हम भूल जाते हैं कि पंचम चरण में कौन कौन से क्या क्या जुड़े थे, किसके द्वारा जुड़े गए थे, कौन सा संयुक्त वैध राजस्थान बना था या संयुक्त राजस्थान बना था, कंफ्यूज हो जाते हैं। राजधानी कौन सी थी और कौन कौन से ज़िले इसमें जुड़े गए थे, तो उस सभी की हम एक ही ट्रिक के माध्यम से आपको पंचम चरण याद करवा देंगे कि कौन से पंचम चरण में क्या क्या हुआ था। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आज का जो टॉपिक अपना बाकी रह गया था, तीसरा पार्ट एकीकरण का, जिसमें पंचम, छठम और सप्तम चरण आएगा, उसमें आज हम क्लियर कर लेंगे। तो पंचम चरण स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इंटरेस्टिंग ट्रिक है, बहुत इजी ट्रिक है। तो देखिए दोस्तों कि संयुक्त वह जयपुर मत देवर राय, हीरा प्रथम है पाँचवा नहीं। इंटरेस्टिंग है, भूलोगे नहीं, इसको 10 से 15 बार के बीच में दोस्तों पढ़ लेना, याद कर लेना, 10 से 15 बार बोल लेना इसको, जो ये कंटेस्ट हो जाएगी, फिर आपको मैं गारंटी देता हूँ कि ये याद हो जाएगी आपको दोस्तों। और एक बारी उपयोग करके देखिए, आपको पता चल जाएगा दोस्तों। तो देखिए इसको, संयुक्त वह जयपुर मत देव राय, हीरा प्रथम है पांचवा नहीं। तो संयुक्त से याद रखना दोस्तों संयुक्त, वह से याद रखना दोस्तों वहद और राजस्थान। तो संयुक्त वहद राजस्थान जो बना था वो बना था पंचम चरण के अंदर। और जयपुर से याद रखना दोस्तों, जो जयपुर थी यहाँ की राजधानी थी। और मत से याद रखना दोस्तों, जो मत है उसका याद रखना, जो मत्स्य संघ को इसमें मिलाया गया था। मत्स्य संघ को कौन से चरण में मिलाया गया था, क्वेश्चन है, तो पंचम चरण में ये मत्स्य संघ जुड़ा था। और देवराय से याद रखना दोस्तों, देवराय ट्रिक में है, देवराय, तो देवराय से याद रखना, जो शंकर देवराय समिति थी उसकी सिफारिश पर ही मत्स्य संघ को इसमें मिलाया गया था, याद रखना, हो जाएगी याद। हीरा से याद रखना दोस्तों, हीरा से हीरालाल शास्त्री, प्रथम से याद रखना दोस्तों, प्रथम मुख्यमंत्री थे, इससे पहले यहाँ क्या था, प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था, लेकिन इसके बाद ये प्रथम मुख्यमंत्री बने हीरालाल शास्त्री पंचम चरण के अंदर। फिर दोस्तों पंचम चरण के जो लास्ट में पांचवा से याद रखना दोस्तों, पंचम चरण, पांचवा से याद रखना दोस्तों पंचम चरण। और नहीं से याद रखना कि दोस्तों यहाँ जो प्रधानमंत्री का पद था वो अब नहीं रहा था, इसके बाद जो नहीं से याद रखना, जो प्रधानमंत्री का पद था वो नहीं रहा था। तो दोस्तों ये हो गई पंचम चरण। पंचम चरण में क्या हुआ था, 18 रियासतें हो गई थी और 9 ठिकाने हो गए थे, एक रियासत रही थी सिरोही, जो छठे चरण में बनेगी। तो दोस्तों छठा चरण शुरू करते हैं अपना, छठे चरण की बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है, इसको देखो, सिर का हीरा छः जयपुर संघ है, बहुत इंटरेस्टिंग है, 10 से 15 बार बोलोगे तो अपने आप याद हो जाएगी और भूलोगे नहीं से। तो सिर का हीरा छः जयपुर संघ, तो दोस्तों सिर से याद रखना है, सिरोही को मिलाया गया, तो सिरोही को किस में मिलाया गया, सिरोही को छठे चरण में मिलाया गया। हीरा से याद रखना दोस्तों, हीरालाल शास्त्री, ये यहाँ के मुख्यमंत्री थे। छः से याद रखना दोस्तों, छठा चरण, छः से याद रखना दोस्तों छठा चरण। जयपुर से याद रखना दोस्तों, जयपुर से याद रखना, जयपुर यहाँ की राजधानी थी। संघ से याद रखना दोस्तों, जो जयपुर संघ था वो जयपुर संघ बना था छठे चरण में, तो संघ से भी याद हो जाएगा जयपुर संघ बना था। तो ये हो गई दोस्तों छठे चरण की खासियत, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने इसमें लिख दी हैं। सप्तम चरण की बात करते हैं दोस्तों, सप्तम चरण की भी बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है, 10 से 15 बार रिपीट कर लेना, याद हो जाएगी कंटेस्ट। तो इसकी ट्रिक है कि राजस्थान के साथ जयपुर आज राजस्थान के साथ जयपुर आज सुन टप्पा सु मोहन कहते हैं ना, टप्पा सु सुन ले, तो उससे याद हो जाएगा सुन टप्पा सु मोहन। तो दोस्तों राजस्थान से जो राजस्थान बना था सप्तम चरण में, वो कंप्लीट राजस्थान बन गया था जो वर्तमान में है, तो वो राजस्थान बना था सप्तम चरण में दोस्तों। तो इससे सप्तम चरण से याद हो जाएगा, राजस्थान से राजस्थान बना था, राजस्थान जो वर्तमान में है वो कंप्लीट बनकर कब कंप्लीट होगा था, 1 नवंबर 1956 को दोस्तों, याद रखना। सात से याद रखना दोस्तों, सात से सप्तम चरण हो जाएगा, जयपुर से यहाँ पे जयपुर राजधानी हो जाएगी। और आ से याद रखना दोस्तों, आ से हो जाएगा आबू देलवाड़ा का भाग, सिरोही छठे चरण में जुड़ा था दोस्तों, ये कंफ्यूज करने वाली है कि
सिरोही छठे चरण में और सातवें चरण में जुड़ा था आबू देलवाड़ा का भाग, और आज से याद रखना दोस्तों अजमेर मेरवाड़ा भाग भी सप्तम चरण में जुड़ा था। अजमेर मेरवाड़ा का जो भाग है वो भी सप्तम चरण में जुड़ा था। सुन टप्पा से याद रखना दोस्तों, जो सुन टप्पा मध्य प्रदेश का जो मंदसौर जिले का सुनेल टप्पा गांव था, मतलब कनेक्ट था इससे मध्य प्रदेश से, जो इसमें राजस्थान में जुड़ा था सुनेल टप्पा। तो याद रखना सुनेल टप्पा मध्य प्रदेश से जोड़ा गया था, मध्य प्रदेश का हिस्सा था ये, अब राजस्थान का है दोस्तों। मोहन से याद रखना दोस्तों, मोहन से मोहनलाल सुखाड़िया यहाँ के मुख्यमंत्री थे दोस्तों, मोहनलाल सुखाड़िया। तो ये हो गए दोस्तों अपने एकीकरण के सारे ट्रिक। अब हम फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे आपको, पहले वाले वीडियो पूरा ज़रूर देख लेना जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हंसते रहे दोस्तों, मुस्कुराते रहे, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें दोस्तों, रुकने का नहीं। धन्यवाद आप सभी का।